हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो चलिए, अब फाइनली हम लोग टेंस का लास्ट जो टाइप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसको भी देख लेते हैं। तो आज हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन की। तो इसका आइडेंटिफिकेशन है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम, है ना। फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हैव है इसमें यूज होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, नॉट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड सभी सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा था, वैसे इसमें हमारा क्या यूज होगा, हैव यूज होगा, है ना। आई, वी, यू, दे, शी, इट, जो भी होगा उसके साथ आप हैव ही लगाइएगा, हैज नहीं। फिर प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब इसमें देखिए, इसमें सिंस नहीं है, इसमें फ्रॉम ऑब्लिक फॉर है। फ्रॉम का यूज क्यों किया गया है, सिंस जब हम लोग बात करते थे पास्ट टेंस में कि हाँ सुबह से ये काम हुआ था, हो चुका था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि होगा, इस टाइम पे ये काम होगा। तो एग्जांपल्स पहले देख लीजिए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। आई शैल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 9 o'clock, यानी मैं 9 बजे से काम कर रहा हूंगा। अभी उसने काम करना स्टार्ट नहीं किया, वो बता रहा है कि मैं 9 बजे से काम करना शुरू करूंगा, ठीक है। फिर शी विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पे हम लोगों ने फॉर का यूज किया है क्योंकि वो कौन से 2 घंटे से खाना बना रही होगी ये क्लियर नहीं है, सुबह के घंटे शाम के घंटे, तो इसलिए हम इसको क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। जैसे वह 2 घंटे से खाना बना रही होगी, इसमें नहीं क्लियर है कि सुबह से बना रही होगी शाम से बना रही होगी। फिर थर्ड एग्जाम्पल देखिए, दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम जनवरी। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि वो लोग जनवरी से सफर कर रहे होंगे, यानी कि जनवरी जब आएगा मंथ तब वो लोग सफर करना, ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, अभी उन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है। फिर वी शैल हैव बीन सिंगिंग फॉर 3 hours, हम 3 घंटे से गाना गा रहे होंगे। इसमें भी बताया जा रहा है कि हाँ जब आप आएंगे तो हम 3 घंटे से गाना गा रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें देखिए फ्यूचर में पता लग रहा है ना कि हाँ फ्यूचर की बात हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा है ना कि हाँ वो काम हो चुका है, ठीक है। तो यही डिफरेंट है पास्ट और फ्यूचर में, इसको एकदम क्लियर रखिएगा माइंड में, कंफ्यूज मत होइएगा। अब निगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट। देखिए जब भी निगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे तो नॉट हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं, मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। एग्जांपल देख लेते हैं, द गार्डनर विल नॉट हैव बीन डिगिंग द लैंड फॉर 2 hours, माली 2 घंटे से जमीन नहीं खोद रहा होगा। द डॉग विल नॉट हैव बीन बार्किंग फॉर लॉन्ग टाइम, कुत्ता काफी समय से नहीं भौंक रहा होगा। शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही होगी। क्लियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, विल ऑब्लिक शैल, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, विल एनी बडी हैव बीन नॉकिंग द डोर फॉर 2 minutes, क्या कोई 2 मिनट से दरवाजा खटखटा रहा होगा। Will the watchman have been watching from 3 o'clock? क्या चौकीदार 3 बजे से पहरा दे रहा होगा? Shall I have been reading from July? Reading की जगह studying भी लिख सकते हैं, है ना? तो क्या मैं जुलाई से पढ़ रहा हूँगा? Clear? अब बात करते हैं उस interrogative sentences की जिसमें question word बीच में आते हैं, है ना? जैसे देखिए, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। सेंटेंस ऑर्डर देख लेते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क, है ना। एग्जांपल्स देखते हैं, व्हाई विल शी हैव बीन बीटिंग हिम फॉर 10 minutes, वह उसे 10 मिनट से क्यों पीट रही होगी पक्का उसकी बहन होगी। वेयर विल दे हैव बीन ट्रेवलिंग फ्रॉम जून, वे जून से कहाँ सफर कर रहे होंगे। हाउ विल ही हैव बीन राइटिंग दिस नॉवल फ्रॉम मार्च, वह मार्च से या नॉवल कैसे लिख रहा होगा, है ना। तो देखिए इन सभी सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आए, कैसे, कहाँ, क्यों, क्लियर। इसलिए हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, वाई, वेयर, विल, सॉरी वाई, वेयर एंड हाउ, है ना।
चलिए अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। तो विल ऑब्लिक शा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फॉर्म प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क, है ना। एग्जांपल देख लेते हैं। विल शी हैव नॉट बीन कुकिंग फ्रॉम इवनिंग, क्या वह शाम से खाना नहीं बना रही होगी। अब भाई उसका मन नहीं है इसलिए नहीं बना रही होगी। शैल आई हैव नॉट बीन टॉकिंग टू हिम फ्रॉम मार्च, लो लड़ाई हो गई, क्या मैं मार्च से उससे बात नहीं कर रहा हूँ, लगा लड़ाई वड़ाई हो जाएगी इसीलिए बात नहीं कर रहे होंगे, है ना। विल दे हैव नॉट बीन सेलिंग जूस फॉर 2 मंथ्स, क्या वे 2 महीने से जूस नहीं बेच रहे होंगे। अब इतनी ठंड है जूस कौन पिएगा, तो क्या करेंगे वो जूस बेच कर, है ना। चलिए थोड़ा सा आप लोगों को जाने के लिए था। तो फाइनली हमारा टेंस कंप्लीट होता है और आई होप कि आप लोगों को ये टेंस भी अच्छे से क्लियर हो गया हो। प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय बाय।